हजरत मालिक बिन दिनार फरमाते मैंने 60 हज किए। एक हज के मौके पर मैंने बड़ा रश देखा, लाखों का इज्तिमा हुआ। मेरी बातों की समझ तो आ रही है ना आप दोस्तों? जो नहीं बोल रहे उन्हें भी आ रही है ना? अल्लाह जज़ा दे। कहते लाखों का मजमा था तो मेरे दिल में ख्याल आया, मैंने कहा अल्लाह इतने लोग आए हैं इनका हज कबूल भी हुआ है कि नहीं? फरमाते मैं सोच रहा था तो रात को ना ख्वाब में मैंने किसी कहने वाले को कहते हुए सुना कि सब का कबूल हो गया। बलख का रहने वाला मोहम्मद बिन हारून बलखी है, उसका हज कबूल नहीं। फरमाते शहरों के अलहदा अलहदे खेमे लगते थे। अब भी आप हज करने जाए तो पाकिस्तानियों की रिहायशें अलहदा होती हैं, इंडियन की अलहदा, बांग्लादेश के अलहदा, मिस्री, यमनी, सब लोग अलहदा अलहदा रहायशें होती, झंडे लगे होते हैं मुल्कों के। कहते मैंने सवेरे उठ के ढूंढना शुरू कर दिया, ढूंढता हूं वो बंदा मिले। कहते जहां बलख शहर के लोग रहते थे वहां चला गया। तो मैंने लोगों से पूछा तुम में मोहम्मद बिन हारून बलखी कौन है?